अबे अपनी डलवानी लेके आया ऊपर से। अब भी मेरे चलो आपकी ड्रेस रहेगी ना राम सिया जाने। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू रुनेंद्र 7 वीलॉग्स। जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं उस दिन है इंडिपेंडेंस डे। सो आप सभी को भी आजादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75 साल हो चुके हैं, 75 साल में ना जाने कितने लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है, कितने जवानों के परिवार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत यंग एज में मतलब अपने परिवार का कोई ना कोई सदस्य खोया है। तो उन सभी को सैल्यूट है अरुणेंद्र 7 फैमिली की तरफ से पूरा। और जो लोग यार अपने एक्स की यादों से आजाद नहीं हो पा रहे उनको भी इंडिपेंडेंस डे, और मैं दुआ करूंगा कि इस आजादी के दिन आप लोग भी आजाद हो जाओ। एंड यार देखो प्रैंक देखिए, पता दिस इज द ओनली रीजन कि मैं कोई प्रैंक नहीं करती। आप लोग कहते हो ना कि मैं बदला लो, क्योंकि यार मेरे बहुत वाइल्ड होते हैं, वाइल्ड इन द, अब मैंने बताओ वाइल्ड भी क्या था, इतना हॉरिबल मतलब छिपकली तो फेंक रहे थे, छिपकली का मतलब पता है और क्या, इतनी सी छिपकली ली ठीक है, वो अभी फेंकनी थी, बिना फेंके ही बताओ पूरा पैर तोड़वा लिया, पूरी बाजू तोड़वा ली, बताओ क्या करें इनके ऊपर, ऐसे भागे कि बाग बाग क्या नाम है अपने आप को जो बन रही हो ना, चलो वक्त बताएगा वो तो, जो अभी मेरा पूरा मुंह सूजा पड़ा है। मैं दिखाऊं यार ये मतलब ना पूरा, ये पूरी बाजू भी सूज रखी है ठीक है, ये पूरी टांग सूज रखी है, ये वाली ये गट्ठा ये पूरा ये तो अलग से बम्स बन गए हुए हैं ना, ये तो पूरा नील पड़ गया है। और ये देखो चेहरा, मासूम सा चेहरा, इस मासूम से चेहरे पे इतनी सूजन आ गई है यार। अरुण की चाय बन गई है, ये लो भाई पहले तोड़ दो भाई, हमने नहीं तोड़ा ठीक है, टूटे खुद दो, हमने नहीं बोला था वहां से बंदरों की तरह छलांगे लगाओ लंगूर की तरह, ये लो हमने नहीं बोला। तो यार मम्मी ने ना सुबह से मतलब इतना सारा वो स्टार्ट किया, अरुण की सारी फेवरेट चीजें, पास्ता बॉयल हो रहा है, मशरूम मम्मी ने यहाँ रख दी है, चाय अभी बनाई है, मशरूम मटर बन रहे हैं, ये मसाला बन रहा है, कंडोल मैंने आपको दिखाया था कि उसमें ऑलरेडी मम्मी ने कर दिया है। तो 3-4 सब्जियां मम्मी ने सारी अपनी दामाद की फेवरेट बना दी है, दीदियां ओ बब्बे दीदियां मक्की रोटी खानी, मैंने डिमांड किया मक्की की रोटी की, आपने पास्ता, मैंने पास्ता चलो और मिस्सी रोटी, हाँ डिमांड आ गई, डिमांड तो तेरी ऐसी है। ओके तो आपके लिए ले चले हाँ। सब ले लें हाँ। फटड़ इंसानियां, और इनके लिए मम्मी ने मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया, अरुण ने क्योंकि जिस दिन घर आए थे ना उस दिन ही बोला था कि मम्मी मैंने पास्ता खाना है, क्योंकि मम्मी बहुत टेस्टी पास्ता बनाते हैं, तो ये मम्मी ने अरुण के चॉइस का पास्ता बना दिया सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। क्या आय हाय हाय हाय, अभी 10:30 हो रहे हैं और ये देख के ही लग रहा है ना, मारे भी तू बचावे भी तू, यो की साथ प्यार हो जाता है, अरे मारे भी तू बचावे भी तू, यो की साथ प्यार हो गया डॉक्टर, डालूंगी तब बताऊंगी। अरे अब तो शर्म कर लो, दो पैरों पे जाने दो मुझे, दिल्ली कह रही है अभी भी चिपकली डालूंगी, डालूंगी तो सही, यो की साथ प्यार हो गया डॉक्टर, ओ डॉक्टर मारा भी तू और बचा भी तू, डॉक्टर दोनों चीजें कर सकता है ना, मार भी सकता है बचा भी सकता है, हाँ। तू गुंडी है, तू डॉक्टर थोड़ी है, गुंडी तो मैं। जैसे एक वो हमने नाटक देखा था ना परिजात, हाँ। तो उसमें वो बबली बदमाश थी, तो वैसे पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे बड़ा अच्छा गाना है, बज रहे हैं 11:30, उधर रिद्धि खेल रही है नंदू के साथ, एंड ये अभी मेरे को मलहम वगैरह लगाने जा रही है, गरम ठंडे पानी से टकोर, पैर तोड़वाया है ना, बाजू भी तोड़वाई है, कुछ और भी टूटे हैं वो दिखा नहीं सकते, बस बढ़िया यार बढ़िया, वो यूट्यूब वीडियो रिमूव कर देगा ना 18+ हो जाएगी। पता साइज सीधे 2-4 इंच बढ़ गए, बट पता रिद्धि बाहर क्या कर रहे हैं, नंदू को वेलकम टू रिद्धि की दुनिया, हमें एक साथ 4 वीडियो शूट करनी है, तो इसके अंदर क्या डाला आपने,
गरम पानी। जख्मों पे नमक लगाओगे? मिर्च भी लगा दो थोड़ी सी। जख्मों पे नमक लगा रहे हो? इसमें नमक डाल दिया है। क्या करना है? पैर उसमें सोक करो ना, एक मिनट। एक मिनट इसमें और एक मिनट इसमें। पहले उसमें इससे क्या होगा? वो ठीक हो जाएगा, जल्दी गरम गरम में। इस तरफ को रखो ना इसको ऐसे। ओ भेड़, ओ डालो अरुण इसमें। ओ भेड़ भेड़ थप्पड़ आएगा अरुण, इसमें डालो ना। ओ भेड़ आगे का तो पूरा निकल ही नहीं पा रहा। इसलिए पानी कम रखा है, इसमें सोक करो इसको, पैर को, अंगूठे को। अच्छा यार इसके बाद मुड़े तब तो इतना ही रोटेशन इसमें है ना। मैं दूसरी बकेट में पानी ज्यादा डालना पड़ेगा। वो थोड़ी है, इसमें स्प्रिंग थोड़ी लगी हुई है जो 360 डिग्री पे, 360 डिग्री पे घुमा दूं तेरी बहन। अरे हाथ की सेंसिटिविटी अलग होती है, उसकी अलग होती है तेरी। इतना नहीं है जितना तुम रिद्धि से भी गए गुजरे हो। रिद्धि से गई गुजरी तू? उसको डाल लो एक मिनट यार, देखना कैसे नौटंकी कर रहा है इंसान। ये तो चिपके ही डलवा ली होती, एक मिनट का तो होता। हाँ ये तो एक लेके आओ ऊपर से। अबे अब नहीं डलवा, नहीं लेके आओ ऊपर से। और यार प्रैंक इतना गलत हो गया कि उसके बाद ये हालत हो गया कि अरुण ने तो बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया है। कुछ भी मतलब बिल्कुल बोलना बंद हो चुका है, पैरों का काम करना बंद कर चुका है। व्हील चेयर लेके आई है। हाँ मैं गोद में उठाया था। हाँ गोद में। और ये तो कुछ अलग ही है। ओ बेबी कोई बात नहीं, ओ चाहिए राधी सारी। यार मैं एक्चुअली थोड़ा सा नींद में सो गया था, मैं ये भी सो गए थे दोपहर में ज्यादा क्लियर काफी। आप तो एक्टिव रहते ही हो। तो यार अभी बज रहे हैं शाम के 5 एंड बस वही है, 2-3 घंटे में हम लोग निकलेंगे। तो अभी थोड़ा सा चाय वाय पी के एक्टिव हो जाएंगे। ये इतना सीरियस डिस्कशन इनका चल रहा है ना, मतलब अपनी शॉप का फायदा क्या है? सारी दवाइयां यहाँ से लेके जाते हैं हम हर बार, जो हमें आइडली यूज करनी होती है। ये मेरी है स्टोन की, खत्म हो रखी थी स्टोन वाली भी ये। और ये रिद्धि बेचारी को हमने शांत बैठा दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये हिमाचल वाला क्लिनिक है, यहाँ पे साथ में हमारा पूरा मेडिकल स्टोर भी है पूरा। और ये पापा बैठे हैं अंदर, ये हमारा यहाँ का क्लिनिक है पूरा। और यहाँ भी ये पूरा वेद आयुर्वेदा यानी कि हमारे वाला जो है पूरा यहाँ पे है। और ये इधर पापा बैठे हैं अंदर, जहाँ पे पूरा पेशेंट्स वगैरह का रहता है पूरा। और यहाँ पे स्टेयर चढ़ के ऊपर भी है पूरा, और ये पापा का कैबिन पूरा। और ये रिद्धि को अभी शैंकी ने दिया है कि रिद्धि अब से तूने ये पीना है दूध में, और रिद्धि की ये मल्टीविटामिन। बाय बाय करते हुए चलो चलो बाय चलो। तो ये हम निकल रहे हैं बस यहाँ से। बाय बाय मी, बाय अभी मेरे, चलो बाय। आपके ड्रेस रहेगी ना, मैं लेके आऊंगी। ड्रेस का चलो इधर इधर आ जाओ, बार बार। एंड ये हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, अभी बज रहे हैं 8:15, 8:30 की हमारी ट्रेन है। रिद्धि बैग में पत्थर लाए। भाई दो लड़कियां जा रही होती तो सामान तो अपने आप ही ज्यादा हो जाता है। क्या गई हमारी आज शंकर। एंड हमारी सीट बिल्कुल वॉशरूम के पास में मिली है। 3-4 आज तो सोए नहीं भाई, फैना दरवाजा खुलेगा। एंड आज दिक्कत होने वाली है क्योंकि हमारी सीट नंबर है 3 और 4। ये दरवाजा खुलेगा, यहाँ पे वॉशरूम है, लोग बार बार जाएंगे और नींद नहीं आ पाएगी। और इसमें इतना ज्यादा पेन हो रहा है, इतना ज्यादा। और पता है क्या कि इस वाले पैर में तो ये अंगूठा सूजा था, तो इसमें पेन बल्कि कम है। इस वाले में लगी गुम चोट, और ये अब ये पूरा पोर्शन अब ये पेन होना स्टार्ट हो रहा है। एंड ये शेंकी ने दिया था गिफ्ट, तो मैंने कहा आज ससुराल से ससुराल टाइप बन के जा रहा है इसको कर्मा बोलते हैं, पता है।
और ये रिद्धि भाई मेरा यार पता क्या कि बिल्कुल जाने का मन नहीं है ठीक है क्योंकि इतना एंजॉय किया कुछ दिनों में इतना एंजॉय किया मतलब इतना बढ़िया वेदर हो रहा है क्योंकि मेरे को ना यार एक्चुअली वो भागदौड़ वाली लाइफ चाहिए ही नहीं ना मेरे को हकीकत बात बताऊं कि मेरा कोई ऐसा बहुत ज्यादा मैं मनी माइंडेड हूं क्योंकि ना मेरे को ना बहुत यहाँ की लाइफ ना ऐसी क्योंकि ना बनारस में जैसे जहाँ पे हम रहते तो वो थोड़ा सिटी से थोड़ी बाहर की तरफ है तो मैं जब छोटा था वहां जाता था तो बहुत एंजॉय करता था और मतलब हिमाचल में आके ना एक तरीके से मैं हकीकत बात बताऊं तो मैं अपना ना चाइल्डहुड रिलिव कर रहा हूं। एंड ये उपासना एंड रिद्धि ने अपनी जगह ले ली है अब मैं सोऊंगा यहाँ पे। अभी बज रहे हैं रात के 9 अभी बैठ के मैं करूंगा एडिटिंग उसके बाद सोएंगे। एडिटिंग करने के बाद सोएंगे यार सुबह 4:30 बजे पहुंच जाएंगे दिल्ली तो 2:30-3 तो मेरे को बच जाएंगे एडिट करते करते फिर मैं सोऊंगा तो 1 घंटे में रुकना पड़ेगा फिर देखते हैं घर जाके आराम से सोएंगे यार पूरी इनको स्कूल निकलना है। एंड ये 4:30 बजे सुबह के हम लोग पहुँच गए हैं। एक्चुअली उतरते टाइम हम लोग सब्जी मंडी उतरते हैं क्योंकि यहाँ से नजफगढ़ ज़्यादा पास पड़ता है एंड ये ट्रेन रुकेगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। एंड ये मेरा बेटा क्या हुआ स्कूल जाना आज स्कूल जाना है मन है तो ऑटो डन फटाफट से हम लोग अब निकलते हैं। यार एक्चुअली दिक्कत ये होती है अगर हम करते हैं कैब वगैरह आने में 15-20 मिनट लगाते हैं और इतने में तो भैया सूटम सूट पहुंचा देंगे आधे घंटे में नजफगढ़। सुखी और दूध जोड़ी तुम लोग का मर राम सिया जाने सच में हमें डर। फाइनली अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग पहुंच गए घर पे बस ना अब सोने लगे मैं भी सोऊंगा अभी बस एक छोटा सा काम है मुझे जो व्लॉग है सुबह वाला वो इसको अपलोड करना है अभी मेरे को उसको फटाफट से अपलोडिंग पे लगाना फिर मैं भी सोऊंगा फिर फटाफट से उठ के 10:30-11 बजे तक फिर निकलेंगे ऑफिस के लिए। बाय बाय।